अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले देश भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं भारतीय रेलवे भी इस फैसले से पहले सुरक्षा को पुख्ता करने में जुट गया है। इसके लिए रेलवे पुलिस की ओर से सभी जोन को 7 पेज की एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें RPF के सभी जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और ट्रेनों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जा रही है। RPF के सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें ट्रेनों की सुरक्षा में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अयोध्या के फैसले को देखते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। सभी राज्यों को फैसले को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां भेज रहा है। इन कंपनियों में 4000 पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान शामिल होंगे। प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, यार्ड, पार्किंग, पुलिस के साथ साथ वर्कशॉप में सुरक्षा जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। परामर्श में उन स्थानों की पहचान की गई है जो किसी भी तरह की हिंसा के लिहाज से संवेदनशील हो सकते हैं या जिनका विस्फोटकों को छिपाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस परामर्श में कहा गया है कि रेलवे स्टेशनों के पास और उसके दायरे में आने वाले धार्मिक ढांचों पर करीब से नजर रखी जाए, क्योंकि वहां हिंसा भड़काने की ज्यादा आशंका है। साथ ही दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के स्टेशनों समेत 78 पुलिस स्टेशनों की पहचान की गई है, जहां अधिक संख्या में यात्री आते हैं और वहां RPF कर्मियों की मौजूदगी बढ़ाई गई है। पहले उस आदेश को भी रद्द किया गया है जिसमें स्टेशनों को वहां कोई ट्रेन न होने पर बिजली बचाने के लिए करीब 30% रोशनी कम करने की अनुमति दी गई थी। परामर्श में सभी मंडलों को हर वक्त 100% रोशनी रखने का निर्देश दिया गया है। अयोध्या पर अगले 10 दिन बाद कभी भी फैसला आ सकता है। सुनवाई पूरी होने के बाद इस समय सभी पक्षों के वकीलों के दावों और सबूतों की जांच के साथ ही फैसला लिखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की विशेष पीठ 12 नवंबर के बाद इस मामले में फैसला सुनाएगी, यानी 13 से 16 नवंबर के बीच किसी भी दिन इस सबसे बड़े विवाद पर फैसला आ सकता है।